हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्ग आईएएस एंड पीएससी क्लासेस। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मोटिवेशनल वीडियो लाया हूँ। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाएगा। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो इस दौरान कभी कभी क्या है, हम अपना जो धैर्य जो रहता है ना, पेशेंस, उसको बहुत जल्दी छोड़ने लगते हैं और हमारे अंदर ऐसी बातें घर कर जाती हैं कि हमको अब प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए, कोई जॉब कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं। दोस्तों, मैं एक दोहा बोलूँगा। एक कवि हैं पलटू दास, उन्हें बहुत ही अच्छी लाइन लिखी। उन्हें बोला, कारज धीरे होत हैं, कारज धीरे होत हैं, काहे होत है अधीर, कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरे, केत किसी चोनीर। अर्थात कभी कहते हैं कि जो हमारे कार्य होते हैं बहुत ही धीरे धीरे होते हैं, काहे होत अधीर, अर्थात हमको धैर्य को धारण करना चाहिए, धैर्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अधीर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार यदि कोई वृक्ष है तो वह वृक्ष समय आने पर ही फल देगा, चाहे हम उसमें रोज कंटिन्यू पानी डालते रहें, कितना भी अपन उसमें पानी सींचें, एक सटक भी लगा दें ना कि 24 घंटे उस पर पानी गिरता रहे, फिर भी वह हमको पौधा समय से पहले फल नहीं देगा। दोस्तों, आम का जो फल होता है तो जो उसका मौसम है, हमको मई जून में ही खाने को मिलेगा, तो मई जून में ही मिलेगा, हम इसके पहले आम को नहीं खा सकते। तो दोस्तों, इस दोहे से अपन को सीख लेनी चाहिए कि कार्य धीरे धीरे होते हैं, हमको अपना धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्य को खोना नहीं चाहिए। अर्थात अन्य बहुत ज़्यादा आपको बेचैन होने से कोई लाभ नहीं, अपने को बेचैन होने से कोई काम देने वाला नहीं। मतलब हम यदि बेचैन होते रहें कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम दो साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप लगे रहो, जो समय आएगा तो समय आने पर वह चीज़ आपको मिलेगी। दोस्तों, बस मेरी एक गुजारिश आपसे कि आप समय के साथ चलते रहिए, रुकिए मत। हाँ, समय के जैसे आप कंटिन्यूटी चलते रहेंगे ना, तो समय आएगा कि आपका भी दिन होगा, आपका भी नाम होगा। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया का एक नियम है कि यहाँ पर जो व्यक्ति कर्म करते हैं ना, तो कर्मवादी लोगों की पूजा की जाती है। जो कर्मयोगी होते हैं वह कभी भविष्य की चिंता नहीं करते। हम अपने मेंस के, आईएएस के मेंस में, पीएससी के मेंस में, फोर्थ पेपर जो हमारा इथिक्स, और थोड़ा इथिक्स यहाँ पे लाना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों, यदि आपके पास धैर्य धारण करने की शक्ति नहीं है और आप बन भी जाते हो, आप तहसीलदार बन जाते हो, नायब तहसीलदार बन जाते हो, एसडीएम बन जाते हो, आईएएस बन जाते हो, यदि आप धैर्य धारण नहीं करेंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पर भी आप अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यदि आप एज्यूम कीजिए आप तहसीलदार बन गए, एसडीएम बन गए, तो जो दोस्तों जो आपके पास वहाँ पे जो फैसले आते हैं करने के लिए, जो आपके पास समस्याएं आती हैं, तो क्या आती हैं, बोलेगा कि साहब उनने मेरा सर फोड़ दिया, साहब उनने मेरी ज़मीन दबा ली, साहब उनने मेरा घर हड़प लिया, सब उनने मेरी बीवी को मार दिया, सब उनने मेरे बेटे का हाथ काट दिया। तो दोस्तों, यदि आप वहाँ पे धैर्य को धारण नहीं करेंगे, धैर्यता से निर्णय नहीं लेंगे, तो आप तो वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको विभिन्न परिस्थितियों से ढलना होगा। विभिन्न परिस्थितियों का सामना कैसे करें, इस बात का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं
सर हम तैयारी करें, एक बार सिलेक्शन हो जाए बस, कोई दिक्कत नहीं, वो सिलेक्शन हो जाए बस। मैंने ऐसे ऐसे भी दोस्तों, ऐसे ऐसे भी लोगों को देखा है कि कई लोग आईएएस बन जाते हैं, सब प्रमोशन चाहते हैं लेकिन कई लोग डिमोशन लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो आईएएस को ने पेपर भी क्वालिफाई किया, आईएएस बने भी, इसके बाद उनको जिला भी दिया गया लेकिन जिले की जिम्मेदारी वो नहीं संभाल पाए। फिर क्या बोलते हैं, बोले साहब आपसे नहीं होने वाले, काम करो आप तो आओ मंत्रालय में बैठो, यहाँ आपको एक विभाग दिया दिया जाएगा, आपकी सैलरी भी जितनी है 60-65 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाएगी, हाँ आप आओ फाइल यहाँ हम उठा के देखो, फिर आपकी कहानी खत्म। आपने जो सपने देखे थे, लाल बत्ती गाड़ी में घूमेंगे, पूरा जिला संभालेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिले, तो आपकी कहानी तो यहीं पर समाप्त हो गई ना, समझ रहे हैं? इसलिए मेरा कहना यह है कि जिस दोस्तों थोड़ा सा आप एज्यूम भी करो ना कि जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जो बनने की कोशिश कर रहे हो, वो गुण आना चाहिए आपके अंदर। एक व्यक्ति जब निकलता है ना, अधिकारियों को आपने कभी देखा है? आप कभी न्यूज़ चैनल सुनते होगे तो अभी जैसे भोपाल में जैसे थोड़ा सा कोरोना वायरस का प्रकोप ज़्यादा है, तो जैसे एक अभी तरुण पिथौड़े की स्टेटमेंट आता है, तो उसमें क्या, उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनो, ज़्यादा पढ़ा लिखे जो पढ़े लिखे अधिकारी जो होते हैं ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत मिनिमम, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस, हाँ हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम जल्दी ही इस बीमारी से निजात पा लेंगे, बस ज़्यादा थोड़ा वो बोलते हैं। तो अपन को भी ऐसे भावना लाना है, ऐसे गुण अपने अंदर लाना है, क्योंकि अपने अधिकारी बनने जा रहे हैं। और आप लोग, कोई बोल दिया अरे तू कलेक्टर की तैयारी कर रहा है, बन पाएगा? और लो भैया जी हो गए निगेटिव। अब अरे मैं तो कैसे कर पाऊंगा, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं सकता। फिर ऐसे भावों के लिए भी हमारा वीडियो है दोस्तों, हमारे चैनल पे आ जाएंगे, तो सकारात्मक सोच के अनमोल वचन, इसको जाके आप देखो, इस वीडियो से आपकी नेगेटिविटी हटेगी और कुछ पॉजिटिविटी आप में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपन को धैर्य नहीं खोना। आप इतिहास उठा के देख लो, जो व्यक्ति पेशेंस रखता है, धैर्य को धारण करता है, तो वह कभी भी जिंदगी की, लाइफ की कितनी भी मुश्किल अटकलें आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कभी वो व्यक्ति क्या होता है, कभी भी दूर नहीं हटता, और ना ही अपने को कभी असमंजस की स्थिति में लाता। वह अपन भी, अपना भी सुख खुश रहता है, और अपना जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है वहाँ भी वो एक अच्छा वातावरण निर्माण करता है, समझ रहे हो फ्रेंड? तो इसलिए मेरे इस वीडियो का लक्ष्य क्या है कि अपन को क्या, अपन तैयारी करते हैं ना, देखो क्या अपन एक छोट एक अपन छोटी सी छोटी चीटी से आप एक, तो देखो यदि चीटी सोच ले कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं पहाड़ कैसे चढ़ पाऊँगी, लेकिन इतनी छोटी चीटी रहती, अभी देखा ना वो छोटे 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 कड़क ले जाने जाके ढेर बना लेती। तो सीखने के लिए बहुत सारी है, बहुत सारी YouTube में आप डालोगे मोटिवेशनल कितने सारे आ जाएंगे, लेकिन अपन को इससे मतलब नहीं, धारण भी तो करो, क्योंकि जब तक आप दूसरों को बताना बहुत अच्छी बात है, बेटा ऐसा है, बेटा वैसा है, बेटा है, लेकिन जब तक यदि आप अपने अंदर नहीं ला रहे उन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं इस दुनिया से आप पिछड़ते चले जा रहे हैं। और दोस्तों जिंदगी हो, स्टडी हो, या फिर कोई भी एक ऐसा महत्वपूर्ण पहल करना हो आपको, तो आपको सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। पानी का दोस्तों, यदि पानी भी आप जो नदियों का पानी देखते हैं कितना शीतल होता है, कितना स्वच्छ होता है, क्यों? क्योंकि वह सदैव बहता रहता है। लेकिन आप दोस्तों खड्डों में पानी देखे होंगे, वहाँ पर मच्छर मक्खी आने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो पानी रुक गया। तो रुकना जिंदगी का हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जहाँ आप रुके वहीं पे आप फेल, एंड हो गया आपकी लाइफ, उसके आगे कुछ भी नहीं। इसलिए अच्छा करो, सबका अच्छा करो, धैर्य धारण करो। एक अपन स्टडी जो करते हैं ना, तो एक छोटा सा टॉपिक लो, जैसे अपन अपन ने जैसे मैंने आपको पढ़ाया पूरा पाषाण का, अब आपको आज पूरा पाषाण पढ़ना, बस 2 घंटे, आप 10 घंटे से नहीं 2 घंटे पढ़ो ना, लेकिन
पूरा पसंद कर, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आपको लाइफ में दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। धारण कर लो उस चीज को, ऑब्जर्व करो, समझ रहे। तो उसमें से क्या रहेगा, एक बार अपन ने अच्छे से कर लिए ना, फिर अपन को प्रॉब्लम नहीं होगी। बोल पूरा पसंद कर, हाँ हम क्यों मर। बेनिफिट क्या है इसके, आपका समय बचेगा और आपको एक थोड़ा सा आपके अंदर पॉजिटिविटी आई कि हाँ हमने पढ़ा, हमको अच्छा लगा। क्योंकि दोस्तों कभी आप जब अपन पढ़ते हैं ना, आप पढ़ाई करने के बाद आप नाइट में सोते हैं, यदि आपका लक्ष्य वही है कि मेरे को आईएएस बनना है, तो जिस दिन अपन अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं ना, जैसे सपोज अपन ने आज एमपी की, भारत एमपी की ज्योग्राफी अपन ने निपटा दी, अपन ने आज मौर्यकाल कंप्लीट कर लिया, तो अपन सोते हैं ना तो अपन को थोड़ा सा फीलिंग आती है, हाँ हो सकता है सो धम्म को खुदवाते हुए सपने में आ जाए, पता चला कि सपने में अपन सारनाथ स्तूप के पास खड़े, तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि जब अपन फील करेंगे अपने अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और अपने जैसे जैसे अपन लक्ष्य को सोचेंगे, लक्ष्य के बारे में धारण करेंगे, तो लक्ष्य के ओर हम अग्रसर होते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सजेशन यही है कि धैर्य नहीं छोड़ना, स्टडी करना है, इसी प्रकार पढ़ते रहिए। हम अपनी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से हमारा थोड़ा भी हम अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें ना आप यूट्यूब के फ्रंट में आ जाए। और दोस्तों मोस्ट जिस पर मेरा ज़्यादा जोर रहता है, शेयर, शेयर अपन को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से क्या है दोस्तों, हम तो ठीक है और हमारे जो दोस्त हैं ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ने के बहुत ज़्यादा आतुर हैं, पढ़ नहीं पा रहे, तो उनका भी भला हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, इसलिए दोस्तों भलाई करना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, गुड बाय।